हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रीता कश्यप फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बात करूँगी फ्रेकल्स के बारे में, बताऊँगी कुछ एक ट्रीटमेंट्स जो हेल्प करेगी आपको फ्रेकल्स को फेड करने में, फ्रेकल्स के स्पॉट्स को रिमूव करने में। साथ ही कुछ एक होम रेमेडीज बताऊँगी जो आप घर बैठे ही यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेकल्स की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेकल्स की। फ्रेकल्स क्या होते हैं? राउंड स्पॉट्स, राउंड सर्कुलर स्पॉट्स जो डार्क ब्राउन कलर के या लाइट ब्राउन कलर के आपको देखने को मिलेंगे आपके नोज ऑफ ब्रिज पे, आपके चीक्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मल्टीपल इन नंबर्स राउंड फ्लैट स्पॉट्स जो होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, उनको हम फ्रैकल्स कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्रैकल्स और मेलाज्मा में डिफरेंस बताया था। तो फ्रैकल्स छोटे छोटे निशान, छोटे छोटे स्पॉट्स जो तिल के जैसे होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबरिंग रहती है इनकी, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में मिलते हैं और स्पेशली हमारे सन एक्सपोज्ड एरिया में कॉमनली देखने को मिलते हैं। मीन्स हमारे नोज ऑफ ब्रिज पे, हमारे चीक्स पे कॉमनली देखने को मिलते हैं और जो हमारी नॉर्मल अपियरेंस ऑफ स्किन होते हैं उससे मच डार्कर रहते हैं फ्रैकल्स। तो ये स्पेशली फेयर कॉम्प्लेक्शन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनकी स्किन टोन लाइट रहती है उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्रैकल्स के होने के, और समर सीजन में आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। जब भी पीक आवर्स रहती है, जब भी हमारे सन की जो रेज है वो एक्यूट होती है, तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होती है और जो पॉइंट में जो ये मेलानिन डिपॉजिट होते हैं उनको हम फ्रैकल्स का नाम देते हैं, और आपको समर सीजन में ज़्यादा इनको देखने में मिल जाएंगे। बात करते हैं इनकी ट्रीटमेंट की। सब कॉज, मेन कॉज मैंने बता दिया आपको, सन एक्सपोजर की वजह से आपको जो है फ्रेकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जेनेटिक्स, मीन्स आपको अगर आपके दादा परदादा में आपकी किसी एंसेस्टर हिस्ट्री रही है आपकी फ्रेकल्स की, तो आपको चांसेस रहते हैं तो बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स फ्रेकल्स के होने के। अदर कोई कॉज नहीं है एक्सेप्ट इसके। और अगर आपको बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स या फिर सन एक्सपोजर की वजह से फ्रेकल्स नहीं हुए हैं और कोई अदर कॉज है, तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा, वो एक साइन हो सकता है स्किन कैंसर का भी। तो ये तो बात ही फ्रेकल्स की। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हेल्प करती है इन मेलानिन डिपॉजिट को फेड करने में, मेलानिन डिपॉजिट को रिमूव करने में, साथ ही साथ जो है मिनिमाइज करती है रिकरेंसी, मीन्स कि आपको दोबारा चांसेस नहीं रहते हैं फ्रेकल्स के एक बार रिमूव होने पर, तो इस रिकरेंसी को भी मिनिमाइज करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। बात करते हैं फॉस्फोरस की। अगर आपको बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर आपकी स्किन डैमेज हुई है, आपकी स्किन पे फ्रेकल्स हुए हैं, स्पॉट्स फॉर्मेशन हुई है, तो फॉस्फोरस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फॉस्फोरस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है फ्रेकल्स, स्पेशली आपके चीक्स पे, फेस पे अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फॉस्फोरस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फॉस्फोरस आप यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, 4 टाइम्स ए डे, 200 पोटेंसी में, अपने 2 टाइम्स ही यूज़ करना है, 2-2 ड्रॉप्स मॉर्निंग और नाइट में फॉस्फोरस, अगर आपको बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ समर सीजन में आपको अगर फ्रेकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फॉस्फोरस ट्राई कीजिए। सल्फर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डर्टी स्किन है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सल्फर। फ्रेकल्स विद ड्राई स्किन, अगर आपको फ्रेकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई स्किन है साथ में, तो आप सल्फर ट्राई कीजिए। सल्फर भी आप 200 पोटेंसी में 2 टाइम्स यूज़ कीजिए सल्फर। थूजा आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में ब्लॉचेस, पेल कलर स्किन है और आपकी स्किन में किसी तरह की कोई ग्रोथ है, साथ ही साथ पिगमेंटेशन, पॉइंट पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, तो थूजा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। थूजा आप 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिए मॉर्निंग और नाइट, 2 टाइम्स यूज़ कीजिए, थूजा बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लाइकोपोडियम लीवर स्पॉट्स के लिए, एनी काइंड ऑफ स्पॉट्स के लिए, स्पेशली अगर हमारे फेस पे, हमारे चीक्स पे अगर जो है पॉइंट पिगमेंटेशन है, फ्लैट स्पॉट्स है, उस कंडीशन में लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आप यूज कीजिए 2 टाइम्स ए डे। पर्सेटेल अगर यंग लेडीज में, यंग गर्ल्स में अगर फ्रेकल्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर या बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपको फ्रेकल्स नहीं होंगे, आपको मेलाज्मा हो सकता है, बट अगर अलॉन्ग विथ फ्रेकल्स बिकॉज ऑफ सन डैमेज की वजह से अगर आपको फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ आपको मेंसेस प्रॉपरली नहीं है, तो आप पल्सेटेला यूज़ कीजिए। पल्सेटेला बहुत अच्छा रिजल्ट देती है फ्रेकल्स को रिमूव करने में, फ्रेकल्स के स्पॉट को फेड करने में। बात करेंगे सीपिया की। सीपिया
अगर आपको किसी भी तरह की कोई पिगमेंटेशन है, नॉट ओनली फ्रेकल्स बल्कि मेलाज़मा, एनी और जो PIH होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सीपिया। सीपिया आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर पैच बनता है फेस पे, नोज ऑफ ब्रिज पे, चीक्स ऑफ चीक्स पे आपको जो है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हमारे जो स्पॉट्स रहते हैं, हमारे जो दाग धब्बे रहते हैं, उनको फेड करने का काम करती है सीपिया। सीपिया भी 200 mg में यूज़ कीजिए 2 times a day। अगर आपकी स्किन में पिम्पल्स की प्रॉब्लम है अलॉन्ग विद फ्रैकल्स, अगर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ग्रीजी है, लाइट येलो ऐसा जो अपीयरेंस दे रही है स्किन, तो आपको नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। नाइट्रिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में अलॉन्ग विथ फ्रैकल्स पिम्पल्स की प्रॉब्लम, आपकी ऑयली स्किन है, तो आप जो है नाइट्रिक एसिड यूज़ कीजिए। कुछ एक मेडिसिन थे जो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी विद कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम को मैच करके, आप ये मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिए। बात करूँगी होम रेमेडीज़ के, सबसे पहली बात अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखिए। जब भी आप बाहर स्टेप आउट करो तो आपको 20 या 25 मिनट पहले अच्छे से अपनी सनस्क्रीन को, एक अच्छी सी सनस्क्रीन SPF 30+ आप ले लीजिए, उसको अच्छे से अप्लाई करना है। और अगर आप ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा वॉशिंग हो रही है, आप स्विमिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपको दोबारा से रीअप्लाई करना है सनस्क्रीन को, और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तब भी आपको दोबारा से रीअप्लाई करना है स्क्रीन को, तो अच्छे से प्रोटेक्ट रखिए ताकि आपकी आपकी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा डैमेज ना करे। एक लेयर बन जाती है हमारी स्किन पे, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। रेगुलर एक्सफोलिएशन कीजिए, मीन्स अपनी स्किन को आपने स्क्रब करना है, एक्सफोलिएशन से हमारी डैमेज स्किन जो रिमूव होती है, हमारी स्किन को रिजुविनेशन करने में हेल्प करता है स्क्रब, और हमारे जितने भी फ्रेकल्स के स्पॉट्स रहते हैं उनको फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्क्रबिंग, यानी कि एक्सफोलिएशन आप कर सकते हैं। आप रेगुलर नहीं तो दिन हफ्ते में 4 times आपने ज़रूर स्क्रबिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है। आप होम मेड स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के नेचुरल ग्लो को मेंटेन रखने के लिए, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन खुलती है हमारी मॉइस्चराइजेशन से, हमारे प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होगी तो हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलेगी। नरिशमेंट मिलने से हमारी स्किन जो दोबारा से रिजुबिनेट करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए हेल्प करती है मॉइस्चराइजेशन, तो रेगुलर मॉइस्चराइजेशन भी करनी है। बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, लेमन आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन बहुत अच्छा काम करता है आपके एनी काइंड ऑफ स्पॉट्स फेड करने में, आपको किसी तरह की कोई पिगमेंटेशन होगी है, फ्रैकल्स के लिए स्पेशली लेमन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेमन आप लेमन जूस कॉटन की हेल्प से अप्लाई कीजिए अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे, 10 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्विक रिजल्ट मिलेगा। आप रेगुलर यूज़ कीजिए इसको, टाइम दीजिए, आप रेगुलर दिन में एक बार आपने ज़रूर अप्लाई करना, स्पेशली नाइट में यूज़ करना है, मॉर्निंग में आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि लेमन अप्लाई करने के बाद आप जो है बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकते हैं, लेमन जो रिएक्ट कर जाता है सनलाइट में, तो आपने नाइट में ट्राई करना है लेमन जूस को कॉटन की हेल्प से अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे अप्लाई कीजिए, और 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए। जिनको लेमन सूट नहीं होता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है लेमन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं हनी, हनी आप यूज़ कर सकते हैं, हनी को आप एज इट इज़ भी अप्लाई करके कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम फेस पैक यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ACV में एसिड सीडार विनेगर में की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके हनी में आप उसको अप्लाई कीजिए अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे, और 10 मिनट रहने दीजिए, 10-15 मिनट, उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं, दही आप यूज़ कर सकते हैं, दही बहुत अच्छा काम करती है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बहुत हेल्प करता है हमारे किसी भी स्पॉट्स को फेड करने में, हमारी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप दही यूज़ कीजिए, दही हर घर में मिलता है। दही के साथ आप हल्की सी पिंच भर हल्दी डाल यूज़ कीजिए उसके साथ, और एक लाइक एक फेस पैक अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए, 10 मिनट सूखने दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए गुनगुने पानी से। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं आप, और जब भी कोई चीज़ यूज़ कीजिए उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से टोन कीजिए, टोनिंग यूज़ कर टोनर यूज़ कीजिए, और अपनी स्किन पे कोई भी अच्छी सी क्रीम लगा लीजिए, नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको क्रीम बताई थी, सौंदर्य क्रीम बताई थी आपको,
आपको सौंदर्य बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फ्रैकल को रिमूव करने में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेडिसिन थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल।